अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो JIT रिपोर्ट आ चुकी है और JIT रिपोर्ट उसी तरीके से ही है जिस तरह की कुछ न्यूज़ की वजह से हमें अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि क्या रिपोर्ट आ सकती है। तो बेसिकली रिपोर्ट में यही आया है कि जितने भी अपने ज़राए आमदन बताए हैं नवाज़ फैमिली ने, वो उस लिहाज से उनकी मुराद नहीं मिलती। तो कुछ क्वेश्चंस जो माइंड में उठते हैं कि विदाउट अ फॉरेंसिक ऑडिट और विदाउट एनी सच सॉर्ट ऑफ ऑडिट, हाउ कैन दे डिसाइड सच थिंग। बट यस, ओके, फाइन, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल MI की और ISI की और JIT की, शायद उन्होंने वाकई द पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैव डिसाइडेड ड्यू टू सम आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग। अब एक जो मेन एक नुक्ता नज़र रह गया कि नवाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटीज़ में जो बात एक आती है, एक जो एक्सपर्ट पैनल, जो मेरा एक्सपर्ट पैनल है, वो ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब इस JIT रिपोर्ट, जो JIT रिपोर्ट बनी है, इसको चैलेंज करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ और अपने लॉयर्स के साथ, और इस JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और क्वेश्चनिंग करेंगे। वेल, ये एक पाकिस्तान हिस्ट्री का एक इस तरह से भी एक बहुत बड़ा एक आप कह रहे हैं कंक्लूजन है कि वाकई अब हम जमहूरियत में आए, क्योंकि एक हाजिर जो अपनी यानी कि सीट पे हाजिर एक वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके और उनके ख़ानदान के एक पूरी एक उनके ऊपर एक केस चला और उसके ऊपर अब ये भी केस अभी चल भी रहा है। तो बात ये, आप इधर एक क्रेडिट जो नवाज शरीफ को दे सकते हैं वो यही है कि एटलीस्ट उस इंसान ने ख़ुद को पेश किया है, ख़ुद को सामने लाया और अपने हक के लिए लड़ रहा है, ख्वाह वो हक है जो भी है, मामलात हैं। बट बात ये है कि आप इस तरह से देखें कि वो एक इंसान ने जमहूरी अमल को ही अपनाया है और जमहूरियत के तहत जो हो सकता था उस तरह से वो एक चीज़ को चला रहे हैं। अब आगे की तरफ देखा जाता है कि आगे अब अप्रोच क्या होती है। मेरा जो एक्सपर्ट पैनल कहता है वो यही कहता है कि नवाज शरीफ अपनी एक लॉयर्स की टीम तैयार करेंगे और JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। लेट्स सी अब होता क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हाफिज़।